हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं आज बनाने वाली हूँ क्विक एंड इजी सी दाल गोश्त रेसिपी। तो ये बहुत क्विक सी होगी और इजी सी होगी। तो यहाँ मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में मैंने जो है सरसों का ऑयल डाल लिया है। अब इसको होने देते हैं गर्म। ऑयल अच्छे से जो है गर्म हो चुका है। इसमें मैं जो हूँ दो तेज़पत्ता डालूँगी। यहाँ मैंने एक तेज़पत्ता को दो कर लिया है क्योंकि वो बहुत बड़ा था, तो इसको ऐड करूँगी। फिर मैं इसमें ऑनियन डालूँगी। इसमें मैंने तीन ऑनियन को कट करके इसको डालना है और इसको जो है फ्राई करूँगी अच्छे से। ऑनियन ब्राउन हो चुकी है। इसमें अब मैं फोर जो हूँ ग्रीन चिली ऐड करूँगी खड़ी, और इसको बीच से कट कर लेना है। फिर इसमें मैं जिंजर गार्लिक एंड गरम मसाले का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको मैंने पेस्ट एक साथ बना लिया है तो मैं इसको ऐड करूँगी। ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है। फिर इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, फिर धनिया पाउडर ऐड करूँगी। ये सब आप 1 टेबल स्पून के करीब है। और फिर मैं जो हूँ रेड चिली ऐड करूँगी, सॉल्ट ऐड करूँगी। ये मैंने सॉल्ट, ये आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, और चिली रेड चिली पाउडर भी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है अपने, जितना आप तीखा खा सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डालूँगी। इन सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और नीचे लगे भी नहीं, तो इसलिए इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी। जब मसाले में से तेल जो है दिखने नज़र आने लगे तो समझिए कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। मतलब बीन्स मसाला जैसे दानेदार दरदरा सा हो जाता है, तो वो मसाला पक के रेडी हो जाता है। और यहाँ देखिए मसाला बन के एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है और ऑयल भी नज़र आने लगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मसाला भुन चुका है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं मटन, ये 1/2 किलो गोश्त होगा। फिर इसको मिक्स करेंगे और गोश्त को इतना जो है भुनना है कि ताकि उसमें से भुनी भुनी सी अच्छे से स्मेल आए। और जैसे आप 10 या 15 मिनट जो है इसको अच्छे से भूनिए तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ और ये देखिए अभी भी नीचे थोड़ा सा पानी है। इसको मैं अभी और भूनूंगी ताकि ये पूरा जो है ड्राई हो जाए थोड़ा। अब इसको करते हैं ओपन और ये देखिए परफेक्ट जो है मटन भून चुका है। ऑयल भी अलग नज़र आने लगा है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं चने की दाल। चने की दाल पहले ऐड कर देंगे क्योंकि अलग से भी लोग पकाते हैं, मगर इसको ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे सा फ्लेवर आता है। तो इन सबको मैं पूरा, और ये जो है मैंने 1.5 कप लिया, मीन्स 100 ग्राम होगी दाल। हाँ, 100 ग्राम इतनी दाल होगी। मैं कप से नापती हूँ तो ये मैंने 100 ग्राम तक तो होगी ये दाल। इसको भी अच्छे से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है दाल गोश्त के साथ। फिर इसमें मैं जो हूँ पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया है। अब इसको मुझे 20 मिनट्स तक प्रेशर कुक करना है ताकि दाल और गोश्त अच्छे से गल जाए एक साथ। ट्वेंटी मिनट्स हो चुके हैं, अब इसको करते हैं ओपन। ये देखिए दाल और गोश्त अच्छे से गल चुका है, मगर इसको अभी जो है मैश करना है। तो अभी मैं इसको जो हूँ इससे मैश करूँगी हल्का सा ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब बाद में इसको आप रखेंगे तो ये धीरे धीरे और गाढ़ा हो जाता है।
दाल की वजह से। फिर इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूंगी जिसे मैंने पहले से कट करके रखा है, तो इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर लूंगी। अब इसमें लगाना है तड़का, तो यहाँ मैं ले रही हूँ ये, और इसमें जो है मैंने डालना है देसी घी। यहाँ मैं देसी घी और प्याज का तड़का दूंगी, तो यहाँ मैं देसी घी इसमें निकाल ले रही हूँ। ये मेल्ट होकर फिर इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। एक छोटी सी प्याज आपको लेनी है और इसको डालना है। प्याज को ब्राउन करना है घी में गोल्डन। ये देखिए धीरे धीरे ये गोल्डन हो रही है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे तड़का, इसको जो है 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है ताकि सारे फ्लेवर इसमें आ जाए। और अगर आप तड़का लगाएंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा औसम हो जाता है। तो ये बनकर रेडी है दाल गोश्त, और धीरे धीरे ये गाढ़ा भी होता जाएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।